बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं आपको कराची की फ़ेमस पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो दाल भरी कचौरियाँ मिलती हैं वो मैं बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये, बिल्कुल ओरिजिनल। आप ये खाएंगे, बना के देखेंगे, बिल्कुल वही टेस्ट होगा। तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, उसमें जो भी टिप्स वगैरह बताए जाते हैं ताकि वो आपके मिस ना हो और आपकी रेसिपी जो परफेक्ट बने। ये दाल है चने की एक कप, ये मैंने भिगो दी है, इसको मैं अब गलने को रखूंगी। और ये हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और ये दो से तीन ये लहसुन के जवे हैं। बस मैं ये वाले तीन मसाले, हल्दी, मिर्च और लहसुन, ये डाल के मैं दाल को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और नमक जो है हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये चने की दाल बिल्कुल हमारी बॉईल हो गई है और आप देखिए ये बिल्कुल खुश्क मिले हैं, बॉईल किए, बिल्कुल जरा से भी मतलब ये इस तरह से नहीं है, खुश्क है बिल्कुल। इसको हम पीस लेंगे, चाहे तो आप उसमें पीस लें चॉपर के अंदर या ऐसे चमचे से इस तरीके से पीस लें, बिल्कुल बारीक इसको पीस लेंगे और ये कचौरियों के अंदर की फिलिंग तैयार होगी। ये दाल बॉईल होने के बाद मैंने नमक ऐड कर दिया था। दाल मैंने सारी पीस ली है, बिल्कुल देखें बिल्कुल खुश्क ड्राई ड्राई सी ये दाल है, ये बिल्कुल तैयार है। कचौरियों का हम आटा गूंद रहे हैं। ये ऑयल है आधा कप और ये घी है ये भी आधा कप और वन टीस्पून नमक है ऐड करूंगी। अच्छा मैदा मैंने लिया है, ये एक किलो मैदा है। ये घी हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके आटे को हम गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये आटा मैंने गूंद लिया है इस तरीके का। अब जो ये ऑयल है ना, अभी हम थोड़ा थोड़ा इस पे डालेंगे इस तरीके से। ये आटा तैयार है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ये ऑयल ऊपर से डाला था और ये मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 15 मिनट। इतना बड़ा हमने पेड़ा तोड़ा और थोड़ा चिकना हाथ लगा के इसका ऑयल का, इसको हाथ से इस तरीके से फैलाएंगे और ये थोड़ी सी हमने जो दाल है इस तरीके से इसमें भरी। इस तरीके से तैयार करके हम सारे तैयार करके इसी तरीके से रखेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पे। हम इस कचौरियों को दाल की ये दाल इस तरीके से भरी। साग तैयार करेंगे तो ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और ये 2 टेबल स्पून इमली मैंने उसमें पानी में डाल के थोड़ा सा इसका ये पल्प निकाल लिया है। 2 टेबल स्पून इमली थी ये। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून कलौंजी है और 1/2 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चे हैं और 1/2 टीस्पून साबुत धनिया है। ये सारा मसाला जो है ये साग के लिए सारा मसाला है। पहले हम साग को थोड़ा सा इस तरीके से आलूओं को मैश कर लेंगे। मैंने मैश कर लिए हैं, ये सारा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे 1 गिलास।
और ये सारी इमली, ये इमली का पल भी सारा ऐड कर देंगे। आधा ग्लास पानी में इसमें और ऐड करूंगी और फिर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, दम पे हम रख देंगे बिल्कुल स्लो स्लो इसको, ताकि जो मसालों का जो वो टेस्ट है वो आलूओं के अंदर साग में आ जाए। साग जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, तकरीबन 10-15 मिनट स्लो फ्लेम पे मैंने पकाया है। अब मैं ये हरा धनिया पुदीना इसमें ऐड करूंगी और मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, ठंडा होके भी मजीद गाढ़ा होता है। जो हमने पेड़े तैयार करके रखी थी दाल की फिलिंग करके, अब हम इसको हाथ से ऐसे दबाएंगे बस, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और जब कचौरी ऑयल के ऊपर आ जाएगी फिर हम इसको पलट देंगे, और इसी तरीके से स्लो स्लो फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। इतना बड़ा हमने पेड़ा तोड़ा और थोड़ा चिकना हाथ लगा के इसका ऑयल का, इसी तरीके से हम सारी कचौरियां जो तैयार करते जाएंगे पेड़ा हाथ बना के उसमें फिल करके दाल को और रखते जाएंगे और फिर फ्राई करते जाएंगे ऑयल में। इसको हाथ से इस तरीके से फैलाएंगे और ये थोड़ी सी हमने जो दाल है इस तरीके से इसमें भरी, इस तरीके से तैयार करके हम सारे तैयार करके इसी तरीके से रखेंगे। ये सीखना शुरू हो गई है, ये मैं निकालूंगी अब। बहुत ही मज़ेदार सी और कराची की फेमस ये एक दाल भरी कचौरियाँ जो तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये कचौरियाँ तैयार हुई हैं। आप रेसिपी को फॉलो करके इसी तरीके से आप बनाइएगा, वही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप पासपोर्ट ऑफिस के बाहर अगर आपने ये खाई होंगी तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रमज़ान में आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तारी पे देखिएगा, सबको पसंद आएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।